सर टेकने के लिए चौथा या पांचवा दिन है और मैं ऑलमोस्ट सेट हो चुका हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा, मैं PDPO आ चुका हूँ, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और आज टेक्निकली मेरा पहला दिन है पढ़ाई का, और फिर भी आज दो ही लेक्चर है मेरे। पिछले 3-4 दिन तो मेरे वैकेशन ही थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं 7 तारीख को आया, 8 तारीख को मैं वापस अहमदाबाद चला गया, क्योंकि मेरी कोई क्लास थी नहीं। शॉपिंग करने निकला, Alpha 1 देखा मैंने, H&M देखा, सूरत में ज़ारा है, इधर H&M है, तो H&M देखा, इतना अच्छा रहा कलेक्शन, क्या प्राइस में, शॉपिंग भी करी थोड़ी। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, सैटरडे को हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, लंच किया, बहुत अच्छा। संडे को कल मैं अपने रिलेटिव के घर अहमदाबाद चला गया, तो उधर भी मेरा आधा दिन निकल गया। तो ये 3-4 दिन तो मेरे वैकेशन ही थे पूरे। और कपड़े धोए और आयरन किए, पीछे मैंने देखो डोरी लगा दी ऐसे, हुक लगा के इस पर कपड़े सुखा देता हूँ, सुबह सुबह धोता हूँ, रात को आके आयरन करता हूँ, तब तक सूख जाते हैं। और अभी तो मैं आपको अपना कॉमन वॉशरूम और वो पूरा दिखाऊंगा हॉस्टल का कैसा है। ये मेरा पूरा कॉरिडोर है, इधर 12 रूम है एक कॉरिडोर में, ये वाला मेरा रूम है, और मेरे रूम से होते ही यहाँ पे ऐसा व्यू है, यहाँ पे वॉशरूम्स है, यहाँ पे पानी भरने का है पूरा। तो चलिए आपको वॉशरूम का शेयर देता हूँ कि ये देखो, तो मैं फ्रेश तो हो गया, अभी हम लोग प्रोटीन शेक भी रहा हूँ, क्योंकि इधर ब्रेकफास्ट बहुत बकवास मिलता है, आपको बताता हूँ कैसा ब्रेकफास्ट है। तो अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, नीचे आ गया हूँ, इधर सनस्क्रीन बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा टैन हुआ हूँ मैं तो, 3 दिन में भी हाथ पूरे काले हो गए, तो पूरा सनस्क्रीन लगा के घूमना पड़ता है, तो बहुत चिपचिप हो जाता है। तो अभी मैं पी रहा हूँ अपना अमेरिकानो और बैठा हूँ फ्रीजलैंड में, क्योंकि मेरा अभी कोई क्लास नहीं है, सब लोग देखो इधर ही बैठे, आज बहुत सारा क्राउड आया है अहमदाबाद से। तो गाइज ये डी ब्लॉक है, ये यहाँ पे स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज आप देख सकते हो, ये मेरा मतलब पढ़ाई का घर है, और ये रहे धारा अपनी क्लास अटेंड करके, हम दोनों अलग अलग बैच में हैं। अभी हम लोग घूम रहे, क्लास का वेट कर रहे, क्लास चालू हुई नहीं है, और मेरी एक्टिवा का भी वेट कर रहा हूँ, कब वो आए, मेरे को एक्टिवा की बहुत खुशी हो रही है, जल्दी आ जाए, थोड़ा घूम के आए गांधीनगर में हम भी। और ये देखो ये कैंपस है, मैंने अभी तक दिखाया नहीं, दीज मशीन्स आर ऑल प्लेस्ड बिकॉज़ हम लोग का कॉलेज पेट्रोलियम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करता है। कितना कुछ पता है तुझे अपने कॉलेज के बारे में। तो गाइस फाइनली मेरा एक्टिवा आ गया, मुझे इतना खुशी हो रहा है ना, फाइनली मैं गांधीनगर तो एटलीस्ट घूम सकता हूँ। मतलब जैसे ही उनका कॉल आया, मैं भागते भागते आ रहा कि भाई एक्टिवा आ गई फाइनली, अब मैं घूमूंगा, कुछ करने को है नहीं, मेरा एक क्लास है, उसके बाद कुछ करने है नहीं, आज पूरा दिन फ्री हो, तो गांधीनगर घूम के आएंगे थोड़ा। देखो आज मैं इसमें कितना भीड़ है, क्योंकि आज सब अहमदाबाद से भी आए हैं, लोग भी आए हैं, और ये खाना आज भी देखो, आलू चावल राजमा दाल यही खा रहा हूँ, जो भी है अभी रोज का यही खाना हो गया मेरा तो, बट जो भी है मैं इतना खुश हूँ, मैं पूरा पसीना, और मेरे को एक्टिवा मिल गई, उससे ज़्यादा खुशी मतलब मेरे सुबह से ऐसे मुस्कान चेहरे पे नहीं होगी, आज अभी आ गई एकदम। सर इतना भी मत करो यार, थोड़ा दूसरा आसमान में नहीं जाना मेरे को, इधर ही रहने दो, मैं ट्रॉमेटाइज हो गया, सॉरी। फाइनली वैक्सीन लगवाने आ गया हूँ। तो गाइस फाइनली सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन अपन को लग चुका है, एंड अब फुली वैक्सीनेटेड है अपन। तो गाइस वैक्सीन लगवा दिया, पेट्रोल भरवा दिया एक्टिवा में, क्योंकि अहमदाबाद से गांधीनगर चल के आई थी, पापा ने उधर से फुल भरा के भेजा था, इधर आके खाली हो गया, पेट्रोल पम्प भी 3-4 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट। और अभी हम लोग बैठे थे डोमिनोज में, मैडम की इच्छा थी चॉकलेट लावा केक खाने की, बट चॉकलेट लावा मिला नहीं, रेड वेलवेट लावा केक पता नहीं क्या है खाया।
देखा आप लोगों ने क्या मस्त जैमिंग सेशन हो रहा था, ऐसा पिछले दो दिन से हो रहा है एंड आई जस्ट लव इट, इतना मज़ा आ रहा था। बट अभी गैस 9:15 होते ही वॉचमैन सीटी बजा देते, सबको भगा देते हैं। अभी मैं रूम पे आ गया, अपना हॉट चॉकलेट पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा गला ख़राब है, मैंने ठंडा भी पिया बट अभी थोड़ा वापस ज़्यादा ख़राब नहीं करना गला। तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मैंने थोड़ा दाढ़ी वाड़ी निकाल दिया, मेरे को बहुत एक्ने हो रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया और ये लुक भी मेरे को बेटर लग रहा है, मैं यूज़ टू हो गया खुद को वैसे देखने में। और अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि 8:40 हो चुके हैं, 9 बजे लेक्चर है तो मुझे ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, भूख भी बहुत लगी है। जब मैं कॉलेज आया था डीजे मैडम ने बोला था पूरा टाइम मेरे साथ रहेगी, मैडम फोन ही नहीं उठाती, फोन स्विच ऑफ करके सो जाती है, ब्रेकफास्ट तक नहीं करती है बिल्कुल भी। अरे फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था, मैंने जानबूझ के किया नहीं। हाँ ठीक है, फोन खराब है, मैं आज बैठा थोड़े नए नए दोस्त बनाए, अभी मेरी क्लास है 12 बजे की, एक क्लास मैंने अटेंड कर ली। क्लासरूम में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है इतने सालों बाद क्लासरूम में बैठा हूँ, लास्ट तो स्कूल में बैठा था, वो भी लास्ट क्लास में तो स्कूल भी नहीं गया था मैं, अभी तो क्लासरूम में बैठा हूँ, टीचर का वेट कर रहा हूँ, सब बच्चे भी आ गए। डोमिनोज से निकल के मैं आया हूँ इधर के PDPU का फेमस ब्रिज जहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं और मुझे फोटो भेजते थे, बट आज फाइनली मुझे आने का मौका मिल गया। और ये मेरे पीछे गिफ्ट सिटी है, मैं आपको अच्छा व्यू देता हूँ, ये पूरा गांधीनगर का गिफ्ट सिटी बन रहा है, अभी तक शायद पूरा बना नहीं है बट लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा बनने वाला है, लेट्स सी, बट व्यू काफ़ी अच्छा है ये देखो। तो आज अपना ये खाने का मन हुआ चना जोर गरम, कैसे भैया? बढ़िया एकदम सर। सर हम नेस कैफे छोड़ के इधर खाने आ रहे हैं, हाँ बनाओ भैया बनाओ। तो गाइस फाइनली मैं रूम पर आ चुका हूँ, मेरे को वापस थोड़ा सर्दी बढ़ गया ऐसा मुझे लग रहा है, बट आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब मैंने पिछले 5 दिन में इतनी बातें नहीं की होगी जितनी मैंने आज की। आज मैं बहुत सारे नए लोगों से मिला, कुछ दोस्त बनाए मैंने और बहुत खुश हूँ मैं, अब लग रहा है कि हाँ मैं कॉलेज में आया हूँ, मतलब आज मेरे को फील हुआ ये चीज़। और आज खाना भी बहुत अच्छा मिला था मेरे को नसीब से, मतलब आज बहुत अच्छे से पेट भर के खाया है। ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया मैंने आज के दिन में भी, मैंने सोचा था कि मैं करूँगा बट मैं इतने सारे नए लोगों से मिला तो मैंने ब्लॉग नहीं किया, रेदर देन आई प्रेफर्ड कि मैं सबसे बातचीत करूँ। और ये व्लॉग मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, 2 दिन में ऑलरेडी खींच चुका हूँ, आई डोंट नो कितना लंबा बनाया, तो एडिटिंग कराई मुझे पता चल ही जाएगा। तो ये व्लॉग के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, मतलब जल्दी बस 1000 सब्सक्राइबर अपन को क्रॉस करने हैं। और कमेंट करके बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आप लोग, रखिएगा अपना, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, हम आप और वो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।